तो हम लोग पढ़ते हैं वीकली करंट अफेयर्स, और वीकली करंट अफेयर्स में आज न्यूज़ में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, तो न्यूज़ में है एक तो जम्मू कश्मीर का न्यूज़, और दूसरा क्या है, लद्दाख का न्यूज़। तो हम लोग जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख को देखते हैं। अब देखिए न्यूज़ क्या है, इससे पहले हम लोग जानते हैं कि 5 अगस्त 2019 को कब किया था गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि हम लोग क्या हटा रहे हैं, आर्टिकल 370 या आर्टिकल 370 प्लस हम लोग क्या हटा रहे हैं 35A। ये 35A और आर्टिकल 370 ये दोनों जम्मू कश्मीर को क्या दे रहा था, स्पेशल स्टेटस। जम्मू कश्मीर का अपना अलग एक कॉन्स्टिट्यूशन था, उनका अपना स्टेट का एक फ्लैग था, उसके साथ साथ वो इंडिया का भी फ्लैग लगाते थे लेकिन उनका स्टेट का भी अपना एक फ्लैग था। यूनियन गवर्नमेंट का कोई भी लॉ डायरेक्टली इम्प्लीमेंट नहीं होता था जम्मू कश्मीर में जब तक कि वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली उसको अप्रूव नहीं कर देती थी। तो ये कई सारी चीज़ें, उसके साथ साथ राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 35 के तहत ओनली किसके लिए था, सिटीजन ऑफ जम्मू कश्मीर, यानी वहाँ पर जमीन कौन खरीद सकते थे, प्रॉपर्टी किन का हो सकता था। चेंजेस आया, गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि 31 अक्टूबर को जब हम लोग सरदार पटेल का क्या सेलिब्रेट करेंगे, 144th बर्थ एनिवर्सरी, तो बर्थ एनिवर्सरी मना रहे हैं क्या 31 अक्टूबर को, सरदार पटेल का क्या होता है बर्थ एनिवर्सरी, और इसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं एज ए नेशनल इंटीग्रिटी डे। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाते हैं, 31 अक्टूबर को, किनकी याद में, सरदार पटेल की। तो कहा गया इन्हीं के बर्थ एनिवर्सरी के दिन क्या किया गया, जम्मू कश्मीर से स्टेट का स्टेटस छीन लिया गया और इसको क्या बना दिया गया, यूनियन टेरिटरी। लेकिन जम्मू कश्मीर को यूटी तो बनाया गया लेकिन कुछ चेंजेस भी और भी किए गए, कहा गया ये यूटी तो होगा लेकिन ये यूटी दिल्ली एंड पौंडीचेरी की तरह होगा। अब दिल्ली एंड पौंडीचेरी यूटी में क्या है, यूनियन टेरिटरी भी है प्लस वहाँ पर सीएम भी है, लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, एमएलए भी हैं, तो जम्मू कश्मीर कैसा होगा, सेम एज दिल्ली एंड पौंडीचेरी, यानी ये यूनियन टेरिटरी बन चुका है। पहला स्टेट है इंडिया का जिससे स्टेट का स्टेटस छीन कर उसको क्या दिया गया, आप यूटी बन जाओ। जनरली क्या होता था, यूटी को चेंज करके हम लोग क्या बनाते थे, स्टेट। जैसे गोवा जब हम लोगों ने पुर्तगीज से लिया तो गोवा को हमने क्या बना दिया, यूटी, और यूटी से चेंज करके गोवा को क्या बनाया, स्टेट। लेकिन ये पहला ऐसा स्टेट है जिससे स्टेट का दर्जा छीन कर उसको क्या दे रहे हैं, यूनियन टेरिटरी। और यूटी तो दे रहे हैं लेकिन ये भी कह रहे हैं कि आप दिल्ली की तरह यूटी होंगे, आपके पास सीएम होगा प्लस आपके पास एमएलए होंगे, और अब गवर्नर नहीं होगा यहाँ पे, अब क्या होगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर, जिसको हम लोग कहते हैं एलजी, हिंदी में कहते हैं उप राज्यपाल। पहले यहाँ के राज्यपाल गवर्नर जी थे सतपाल मलिक, अब उनको गोवा के गवर्नर हो गए, उनको गोवा का राज्यपाल बना दिया गया। और एक आईएएस ऑफिसर, गुजरात कैडर के आईएएस ऑफिसर को यहाँ का बना दिया गया लेफ्टिनेंट गवर्नर, जिनका नाम क्या है, गिरीशचंद मुर्मू। तो मुर्मू जी को बना दिया गया, अभी रखो, मुर्मू को बना दिया गया इंडिया का जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी का लेफ्टिनेंट गवर्नर। अब लेफ्टिनेंट गवर्नर क्या होता है, ये प्रेसिडेंट के ठीक नीचे एज ए प्रेसिडेंट रिप्रेजेंटेटिव क्या करेगा, काम करेगा, क्योंकि जैसे वो यूटी बना इसका मतलब वहाँ पर आप किसका रूल चलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का, होम मिनिस्ट्री का डायरेक्शन चलेगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रेसिडेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए वहाँ कौन आ गया, लेफ्टिनेंट गवर्नर, क्लियर। साथ ही साथ आप जानते थे कि जम्मू कश्मीर में क्या था, लेजिस्लेटिव काउंसिल था, यानी विधान परिषद था। हम लोग पढ़ते हैं ना आर्टिकल 169 में के तहत इंडिया में कितने स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल था, 7, जिसमें जम्मू कश्मीर का 370 में मेंशन था, तो 7 लेजिस्लेटिव काउंसिल थे। लेकिन अब क्योंकि जम्मू कश्मीर से स्टेट का दर्जा ही छीन लिए तो वहाँ पर अब काउंसिल नहीं होगा, तो अब इंडिया में कितने लेजिस्लेटिव काउंसिल हो गए, बहुत इंपॉर्टेंट, अब हमारे पास 6 लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जम्मू कश्मीर में कोई काउंसिल नहीं है, पहले 7 पढ़ते थे, क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत। तो जे एंड के में क्या क्या चेंजेस आया, एक तो वो यूनियन टेरिटरी बन गया, लेकिन यूनियन टेरिटरी में कैसा यूनियन टेरिटरी, सेम एज दिल्ली, यानी यहाँ पर सीएम एंड असेंबली होगा, अब असेंबली में कितने मेंबर होंगे आगे डिसाइड करेंगे। दूसरा, इनसे लेजिस्लेटिव काउंसिल को यहाँ का डिसॉल्व कर दिया, ख़त्म,
जनरली लेजिस्लेटिव काउंसिल कभी भी विघटित या डिसॉल्व नहीं होता, ये कंटिन्यू हाउस है। लेकिन क्योंकि इससे स्टेट का ही दर्जा छीन लिए तो अब इसके पास काउंसिल नहीं होगा। यानी अब इंडिया में कितने काउंसिल हैं? सिर्फ सिक्स। कौन कौन से स्टेट में? यूपी, बिहार और महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका। तो ये अब छः बज गए। उड़ीसा का प्रोसेस में अप्रूवल के बाद ये आ जाएगा तो फिर ये नंबर्स बढ़ जाएंगे। अब आप आइए लद्दाख में क्या चेंजिंग हुआ। तो लद्दाख पहले जम्मू कश्मीर स्टेट का ही क्या था? पार्ट था, हिल काउंसिल भी था वहाँ पे। लेकिन अब लद्दाख को 31 अक्टूबर से सरदार पटेल के 144 बर्थ एनिवर्सरी के दिन क्या बना दिया गया? एक यूनियन टेरिटरी। ये यूटी बन गया। बट ये यूटी किसकी तरह का यूटी? ये यूटी अंडमान निकोबार या लक्षद्वीप या चंडीगढ़ की तरह का यूटी है। यानी यहाँ पर कोई भी सीएम नहीं होगा, कोई एमएलए नहीं होंगे। यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट का या प्रेसिडेंट का रिप्रेजेंटेटिव होगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? लेफ्टिनेंट गवर्नर, एलजी कहेंगे या उपराज्यपाल कहेंगे। यहाँ पर भी नया उपराज्यपाल बनाया गया, जो त्रिपुरा कैडर के आईएएस ऑफिसर, रिटायर आईएएस ऑफिसर हैं, इनका नाम है माथुर। तो माथुर जी को क्या किया गया? बना दिया गया लद्दाख का लेफ्टिनेंट गवर्नर। और कश्मीर का, जम्मू कश्मीर का बना दिया गया मुर्मू को। तो इधर मुर्मू याद रखिए, उधर माथुर याद रखिए। कोई दिक्कत? जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्लियर है। अब यहाँ क्वेश्चन उठता है, हम लोग बात कर रहे हैं स्टेट और यूटी की। तो एक तरफ है स्टेट और दूसरी तरफ क्या है? यूटी। अब इंडियन यूनियन में, इंडियन यूनियन जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट वन एंड आर्टिकल 1-4 है, उसमें क्या कहा गया है? इंडियन यूनियन के टेरिटरीज। तो टेरिटरीज में क्या क्या है हमारे पास? अब 28 स्टेट आ गए, पहले 29 थे। और यूटी कितने आ गए? पहले 7 थे, अब बढ़कर 9 हो गए। अब क्वेश्चन उठता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड यूटी? यानी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में क्या फर्क होता है, ये बताएंगे गौरव। दोनों में फर्क क्या है, क्यों उनको यूटी कह रहे हैं? 9 यूटी है इंडिया में। भारतीय संघ में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 9। और राज्य कितने हैं? दोनों में अंतर क्या होता है? अच्छा, गुड। यूनियन टेरिटरी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर होता है, वेरी गुड। और स्टेट, स्टेट में अपनी सरकार है, स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट है, वहाँ पर भी गवर्नर और सीएम साहब है, वेरी गुड। पहला पॉइंट अच्छा बताया। और आयुष, और क्या डिफरेंस है दोनों में, यूनियन टेरिटरी एंड स्टेट में क्या डिफरेंस होता है? मैंने बताया था स्टेट बनने के लिए 4 चीज़ें नेसेसरी है। 4 क्या है? आपका कंडीशन होना ही चाहिए। हाँ, क्या क्या है? तो स्टेट के लिए एक तो लैंड होना चाहिए इनके पास, दूसरा इनके पास लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए यानी पुलिस, थर्ड क्या है? पॉपुलेशन होना चाहिए, एंड फोर्थ गवर्नमेंट इनके पास होना चाहिए। तो स्टेट बनने के लिए 4 चीज़ें जरूरी हैं। क्या क्या? लैंड, जैसे यूपी भारत का एक राज्य है, क्यों राज्य है? इनके पास अपना लैंड है भाई। दिल्ली स्टेट नहीं है, क्योंकि दिल्ली के पास दिल्ली का अपना लैंड, अगर दिल्ली इधर आप देखिए तो इनके पास लैंड नहीं है, इनके पास लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, इनके पास पॉपुलेशन भी नहीं है, इनके पास गवर्नमेंट भी नहीं है। लेकिन 2 एक्सेप्शनल हैं, दिल्ली एंड पुडुचेरी। क्योंकि पुडुचेरी और दिल्ली में हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ सीएम भी है प्लस लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, लेकिन वो स्टेट नहीं है, वो दोनों क्या है? यूनियन टेरिटरी। और अब तो एक और एक्सेप्शनल हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। तो अब इंडिया में 3 एक्सेप्शनल हो गए कि जिनके पास क्या है भैया, सीएम भी है, एमएलए भी है, लेकिन वो स्टेट नहीं है। ये तीनों क्या हैं? यूनियन टेरिटरी हैं। तो आप कहोगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि दिल्ली के पास अब लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल नहीं है केजरीवाल के पास, ना ही पुडुचेरी के पास है नारायण स्वामी, और अब जम्मू कश्मीर के पास भी नहीं होगा। यानी इन अदर वर्ड, जम्मू कश्मीर पुलिस, पुडुचेरी पुलिस, दिल्ली पुलिस किसके कंट्रोल में है? होम मिनिस्ट्री या सेंट्रल गवर्नमेंट। इसलिए केजरीवाल जी परेशान रहते हैं ना, वो क्या कहते हैं, लेके रहेंगे पूर्ण राज, क्योंकि दिल्ली पुलिस हमारी सुनती नहीं है। क्लियर? तो स्टेट बनने के लिए कितने कंडीशन है? अब दिल्ली के पास लैंड नहीं है, दिल्ली के पास लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, यही मामला अब किसका हो जाएगा? जम्मू कश्मीर का भी और पुडुचेरी का तो है ही। तो इन 2 कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहे हैं, इसलिए दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर स्टेट नहीं है, बल्कि ये क्या है? यूनियन टेरिटरी है। बाकी जो यूनियन टेरिटरी बच गए, जैसे अंडमान निकोबार, जैसे चंडीगढ़, उनके पास तो अपनी गवर्नमेंट भी नहीं है और पॉपुलेशन भी क्या है?
कम है, किसके कंपैरिजन में, अदर स्टेट के कंपैरिजन में। जैसे आप यूपी देखो, जनसंख्या में क्या है, नंबर वन स्टेट है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन, यूरोप के कई देशों से दो गुना तीन गुना पॉपुलेशन किसका है, अकेले यूपी का। कोई दिक्कत आ गया समझ में, अंतर लिख लिया जाए, इसको नोट कर लिया आप लोगों ने, या मुझे अलग से लिखवाना पड़ेगा फिर, नहीं किया लिखवाना पड़ेगा, तो इतने देर से सिर्फ लेक्चर चल रहा था। देखो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने बताया कि गवर्नर को, लेफ्टिनेंट गवर्नर को जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपॉइंट किसने किया, राष्ट्रपति ने, प्रेसिडेंट ने, बट ओथ किसने दिलाया, सीजे ने, और सीजे कौन है अभी जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की, गीता मित्तल, जो जम्मू कश्मीर की पहली महिला क्या है, चीफ जस्टिस है। इसके साथ साथ इनका हाईकोर्ट क्या होगा, तो हाईकोर्ट चंडीगढ़ की तरह ही जम्मू कश्मीर होगा, जिसका ज्यूरिडिक्शन लद्दाख में भी होगा और जम्मू कश्मीर में होगा, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट आते हैं हरियाणा, हरियाणा न्यूज़ में है, क्यों न्यूज़ में है देखते हैं। अब हरियाणा के लोग खुश हो गए कि हमारा हरियाणा न्यूज़ में, भूपेंद्र भी खुश है। अब हरियाणा क्यों न्यूज़ में है, तो हरियाणा में न्यूज़ होने का वजह है इलेक्शन, और इलेक्शन के साथ साथ हम लोग देख रहे हैं कि हरियाणा में एक स्टेट स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी बने, कहाँ बने, ठीक, तो हरियाणा के सोनीपत में स्टेट यूनिवर्सिटी, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बना दिया गया। ऐसा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इंडिया में पहले से दो थे, एक कहाँ, गुजरात में, और दूसरा तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु गुजरात में पहले से था, तीसरा राज्य विश्वविद्यालय, खेल विश्वविद्यालय कहाँ बन गया, हरियाणा में, और इसके पहले चांसलर बनाए गए हैं कपिल देव, तो कपिल देव को उसका चांसलर बना दिया गया। लेकिन देश का पहला सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्पोर्ट्स सेंट्रल यूनिवर्सिटी, राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ बनाए, वो मणिपुर में है, इम्फाल में, तो वो एक ही नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है जो इम्फाल मणिपुर में, लेकिन स्टेट यूनिवर्सिटी तीन जगह आ गया। और हरियाणा वाला तो लास्ट वीक ही आया है, और हरियाणा गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि इसका पहला चांसलर कौन होगा, कपिल देव। अब हरियाणा का दूसरा न्यूज़ में होने का वजह क्या है, इलेक्शन। अब हरियाणा में कौन सा इलेक्शन हुआ, लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन, यानी इसको हिंदी में कहेंगे विधानसभा चुनाव। अब क्वेश्चन उठता है, यशवंत बताएंगे, विधानसभा चुनाव कौन कंडक्ट कराता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट और इंडिया, स्टेट, अरे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराएगा, स्टेट सिर्फ और सिर्फ पंचायत एंड म्यूनसिपलिटीज का कराता है, यानी नगर निगम और पंचायत इलेक्शन कंडक्टेड बाय स्टेट इलेक्शन कमीशन, और इनको छोड़कर चाहे वो प्रेसिडेंट का हो, वाइस प्रेसिडेंट का हो, लोकसभा इलेक्शन हो, राज्यसभा इलेक्शन हो, लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा हो, या लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद हो, ऑल इलेक्शन कंडक्टेड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक्सेप्ट पंचायत एंड म्यूनसिपलिटीज। क्लियर है, तो दोबारा मत कहना स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने विधानसभा इलेक्शन कराया कहाँ पे, हरियाणा में। टोटल सीट कितने हरियाणा में, तो हरियाणा में टोटल एमएलए है 90। क्लियर, अब इन सीटों के लिए इलेक्शन हुआ, इसमें सबसे बड़ी पार्टी इलेक्शन में जीत कर कौन आई, 40 सीट के साथ बीजेपी। दूसरी बड़ी पार्टी अपोजिशन में कौन आई, कांग्रेस, 10 सीट कौन जीती, जेजेपी, जन नायक जनता पार्टी, और बच कितना गया, कितने बच गए, कितने बच गए, 9। तो ये किसने जीत लिया, इंडिपेंडेंट पार्टीज ने, या आप कह सकते हो निर्दलीय या अदर पार्टीज कह लो। तो इलेक्शन हुआ और इलेक्शन में सबसे बड़ी पार्टी बनी बीजेपी, लेकिन सरकार बनाने के लिए कितनी सीट चाहिए, इसका आधा, आधा प्लस वन, यानी 46 सीट होना चाहिए, वो किसी के पास नहीं था, लेकिन बीजेपी ने अलायंस किया किसके साथ, जेजेपी के साथ, जन नायक जनता पार्टी के साथ, और बीजेपी और जन नायक जनता पार्टी की सरकार बन गई। मनोहर लाल खट्टर दोबारा हरियाणा के 11th सीएम बन गए, यानी 11वां मुख्यमंत्री, और डिप्टी सीएम भी बनाया गया इस कैबिनेट में, और डिप्टी सीएम कौन बने, दुष्यंत चौटाला, जो कौन है, जेजेपी के हेड है। क्लियर, तो आपके लिए न्यूज़ है कि भैया हरियाणा के सीएम 11वें सीएम कौन है, मनोहर लाल
खट्टर, और हरियाणा के डिप्टी सीएम किसको बनाया गया है, तो आप कहोगे दुष्यंत चौटाला। हरियाणा में टोटल सीट कितनी है लेजिस्लेटिव असेंबली में, 90। सरकार बनाने के लिए कितना चाहिए था, 46। हरियाणा और क्यों न्यूज़ में था, क्योंकि यहाँ क्या बन गया, स्टेट स्पोर्ट यूनिवर्सिटी। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब सीएम को ओथ किसने दिलाया, मनोलाल खट्टर को, कौन दिलाता है? सीएम अपॉइंटेड बाय हुम, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है क्या, क्या होती है? मुख्यमंत्री का चयन होता है, इलेक्शन होता है, नियुक्ति नहीं है। तो इनका इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में जो पार्टी सबसे ज़्यादा सीट लेकर आई उसके विधायक दल का नेता क्या बनेगा, सीएम। और सीएम को ओथ दिलाया जाता है, शपथ, और शपथ कौन दिलाते हैं, उस स्टेट के गवर्नर। तो हरियाणा के गवर्नर ने शपथ दिला दिया मनोहर लाल खट्टर को, किसका, सीएम का। तो आप ध्यान रखेंगे, ना तो प्रधानमंत्री अपॉइंट होता है और ना सीएम, इनका होता क्या है, इलेक्शन, एंड आफ्टर इलेक्शन ओथ बाय प्राइम मिनिस्टर, ओथ बाय प्रेसिडेंट, एंड सीएम ओथ बाय गवर्नर। कोई दिक्कत, लिख लीजिए।